ये डिवाइस के बारे में आपको पता है ये कौन सा है? ये है गाइस Realme 10 Pro Plus। और ये डिवाइस जब मार्केट में आया था तो एकदम धमाल मचाया था, बिकॉज 25,000 से नीचे की प्राइस में कोई भी ऐसा फोन ही नहीं था जो कि कर्व डिस्प्ले देता हो। तो गाइस कुछ ऐसा ही यहाँ पे Realme करने वाला है Realme 11 Pro सीरीज के साथ में। जी हाँ, यहाँ पे लीक होकर के आ चुका है Realme 11, Realme 11 Pro और Realme 11 Pro Plus। काफी हद तक की स्पेसिफिकेशन Realme 11 Pro और 11 Pro Plus की तो लीक आउट हो चुकी है, और Realme 11 की भी काफी हद तक की लीक आउट हो चुकी है। और केवल स्पेसिफिकेशन ही नहीं बल्कि अनबॉक्सिंग एंड इवन फर्स्ट लुक एंड इवन कैमरा इंप्रेशंस एंड काफी कुछ यहाँ पे लीक आउट हो चुका है। प्राइसेस भी यहाँ पे काफी हद तक की गेस आउट किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। पर आपको बता दूं ये 11th ऑफ मई को लॉन्च होने के लिए जा रहा है। तो 11th ऑफ मई को ये लॉन्च होगा चाइना में, लेकिन बहुत ही जल्दी उसके बाद इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो फिर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और साथ ही में इसकी जो अनबॉक्सिंग और जो भी चीज लीक आउट हो चुकी है सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो गाइस चलिए भाई, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। करता हूं मैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यहां पे Realme 11 Pro और Realme 11 Pro Plus के अंदर जो बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, देखिए Realme 11 में LCD डिस्प्ले होगी, फ्लैट डिस्प्ले होगी, लेकिन इस बार जो Realme 11 Pro और Pro Plus है ना, वो दोनों की दोनों यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ में आएंगे। दोनों के दोनों 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आएंगे, और दोनों में ही PWDC डिमिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा 2160 हर्ट्ज के ऊपर। साथ ही साथ में इसके नीचे के जो बीजल्स है वो अल्ट्रा थिन कर दिए गए हैं। एक तो ना कर्व डिस्प्ले है जिसकी वजह से वैसे ही इसके बीजल्स होंगे कम, और नीचे से काफी हद तक की इनके ना बीजेस को कर दिया गया है कम, जिसकी वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा इसके अंदर। दोनों ही डिवाइसेस की बात कर रहा हूं मैं। साथ ही में गाइस यहां पे कैमरा के बारे में Realme 11 में तो कुछ लीक होके नहीं आया, लेकिन Realme 11 Pro और Realme 11 Pro Plus का लीक आउट होके आ चुका है। यहां पे Realme 11 Pro में आपको 108 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और यहां 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी इस समय आपको Realme 10 Pro Plus में देखने को मिलता है। लेकिन Realme 11 Pro Plus में क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर भैया सैमसंग आइसोसेल HW3 वाला सेंसर है 200 मेगापिक्सल का, वो इस बार लेकर के आ रहे हैं ये लोग, वो भाई बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे 2x क्या 3x क्या 4x तक की यहाँ पे लॉसलेस जूम यहाँ पे दे देते हैं, एंड इवन यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर तो होगा ही। इसी के साथ में गाइस यहाँ पे फ्रंट सेल्फी में भी यहाँ पे चेंजेस हैं। Realme 11 Pro के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, लेकिन Realme 11 Pro Plus में वहां आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेंसर। इवन गाइस काफी सारी यहाँ पे इमेजेस हैं जो कि लीक आउट होके आ चुके हैं, जो कि Realme 11 Pro Plus से क्लिक की गई थी, और यहाँ पे इमेजेस काफी हद तक की अच्छी आ रही हैं। और ये अगर आप जूम इन या क्रॉप इन करेंगे इमेज को क्लिक करने के बाद में, तो काफी हद तक की बिकॉज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लार्ज पिक्सल्स हैं, जिसकी वजह से क्रॉप व्रॉप करने पे भी बहुत ही ज्यादा इमेज में लॉस नहीं देखने को मिलता है। इवन गाइस यहाँ पे जो HDR है और जो यहाँ पे डायनेमिक रेंज है, जो यहाँ पे शेडोज वगैरह है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। और आपको तो पता ही है कि भाई Realme की जो स्किन टोन होती है वो एकदम फैबुलस होती है, तो वैसे ही कुछ स्किन टोन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Realme 10 Pro Plus के अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी ना, वो था OIS नहीं देना, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में काफी हद तक की फोनों ने OIS दे दिया था, लेकिन इस बार Realme ने इस गलती से सीखा है तो और यहाँ पे इन्होंने OIS दे दिया है, जिसकी वजह से वीडियोस भी काफी ज्यादा स्टेबल होंगी और फोटोज और भी ज्यादा क्रिस्प एंड शार्पर यहाँ पे निकल के आती है, तो वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, इनका मैं प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात कर लूं, तो Realme 11 Pro और Realme 11 Pro Plus दोनों में ही इन्होंने यूज किया है Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर, और भाई यहाँ पे उत्सुकता दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये प्रोसेसर सेम है। यहाँ पे Dimensity 1080 वाला जो प्रोसेसर था वही एग्जैक्ट सिमिलर रीब्रांडेड वर्जन कर दिया गया है 7050। यहाँ पे MediaTek का कहना है कि हमने इसको रीब्रांड इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को गेज करने में आसानी हो। इस प्रोसेसर के साथ में इंडिया के अंदर लावा का एक फोन लावा अग्नि 2 यहाँ पे सबसे पहले लॉन्च होगा, इवन Realme 11 Pro से भी पहले। और साथ ही में बता दूं यहाँ पे Realme 11 Pro में आपको 67 वॉट का चार्जर मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी, लेकिन Realme 11 Pro Plus के अंदर आपको 100 वॉट का चार्जर विद 5000 mAh बैटरी, जिसके लीक्स वगैरह अनबॉक्सिंग में भी हमने यहाँ पे देख ही लिया। और साथ में बता दूं जो ये प्रोसेसर है ना, यहाँ पे सेम एग्जैक्टली परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे गीक बेंचमार्क एंटूटू बेंचमार्क एग्जैक्टली सिमिलर आएंगे, जो कि आपके Dimensity 1080 वाले प्रोसेसर में देखने को मिलते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई जंप नहीं देखने को मिलेगा। इस बार Realme 11 Pro Plus में आपको 12 GB
की मैक्सिमम रैम और 1 TB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। और साथ में बता दूं यहाँ पे जो प्राइजेस एस्टिमेट करी जा रही है, देखो 200 मेगापिक्सल का सेंसर OIS के आसपास में, तो इंडिया में जो इसकी प्राइसिंग होगी वो 25,000 से 26,000 के आसपास में होगी, बल्कि मैं बोला 25,000 मान के चलिए, बिकॉज उससे ऊपर लेके जाएंगे तो प्रोसेसर इतना ज्यादा दमदार नहीं है, तो इसीलिए 25,000 से नीचे में ही या फिर 25,000 के आसपास की प्राइसिंग आपको Realme 11 Pro Plus की देखने को मिलेगी। और हाँ, Realme 11 Pro 23 के आसपास में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। और इस बार जो Realme 11 आएगा वो तो भाई ज्यादा स्पेसिफिकेशन उसकी लीक आउट हुई नहीं है, लेकिन 11th ऑफ मई को चाइना में लॉन्च हो रहा है और तब भी मैं आप लोग के लिए एक मैं वीडियो लेकर के आऊंगा इसी के ऊपर। और भाई पोको की तो वीडियो आ ही रही है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और भी मजा आने वाली है इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं। अभी और कुछ बताना है मुझे इन फोनों के बारे में तो वो भी ऐसे ही देता रहूंगा वीडियो आपको।